वीडियो देखिए डवटेल जोड़ कैसे बनाएं भाग पहला। यदि आपने डवटेल जोड़ कैसे बनाएं भाग पहला का अनुसरण किया है तो अब आप डवटेल काटना शुरू कर सकते हैं। चरण पहला, डवटेल काटना। लकड़ी को शिकंजे में कसे और कोपिंग आरी की सहायता से फालतू लकड़ी काटना शुरू करें। निशान से थोड़ी दूरी पर काटें ताकि आप बाद में चौरसे की सहायता से अच्छे से साफ कर सकें। शिकंजे में लकड़ी को घुमाएं और किनारे की फालतू लकड़ी को आरी से काटें। लकड़ी को पलटे और दोहराए। चौरसी और मैलेट की सहायता से डवटेल को साफ करें। लकड़ी के दूसरे टुकड़े को शिकंजे में कसे। दूसरे टुकड़े के सिरे पर पहले टुकड़े के डवटेल रखकर डवटेल के निशान लगाएं। डवटेल के निशानों की सीध में चार सीधी लकीरें खींचने के लिए कलम और गुनिये का प्रयोग करें। फालतू लकड़ी पर जिसे काटा जाना है कई लकीरें बनाकर अलग करें। लकड़ी को शिकंजे में कसे और कोपिंग आरी की सहायता से फालतू लकड़ी काटें। चरण दूसरा, साफ करना और आपस में जोड़ना। डवटेल के निशानों तक पहुंचने के लिए चौरसी और मैलेट का प्रयोग करें। फालतू लकड़ी काटने के लिए कोपिंग आरी का प्रयोग करें। चौरसी और मैलेट की सहायता से डवटेल साफ करें। धीरे धीरे काम करें ताकि आप डवटेल की माप जांचते रहें। मैलेट की सहायता से दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ें। गुनिये की सहायता से जांचें कि दोनों टुकड़े एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है या नहीं। अब आपने डवटेल जोड़ बनाना सीख लिया है।